कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेस है वो, आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम और ये जा रही हैं मैडम जी, देखिए रेडी हो गई हैं, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। दिखा देते हैं कुली नाला, हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से सिर्फ दो किलोमीटर बचा हुआ है। अपने मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए कैसा नज़ारा है, कैसा दिख रहा है। चुके हैं यहाँ से, मतलब कि जहाँ पे हम लोगों को जाना है, और तो वहाँ से जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट के अंदर पहुँच चुके हैं हम लोग। बस यहाँ से कुछ ही पलों के दूरी पर आप लोगों को हर चीज़ दिखेगा जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ऐसे फिलहाल आबादी देखिए, ये देखिए कितना अच्छा है, खूबसूरत सा दोस्तों। बस इस साइड बंद हो चुका है, ये नदी है जो यहाँ पे रांची में है, खूंटी से आगे, खूंटी के बाद ये पड़ता है आपको अगर कभी आना हो तो। इसको बोलते पंचघाट, पंचघाट फॉल। तो यहीं पे आने वाले थे हम लोग और आपको दिखाने वाले थे। चलिए हम लोग अंदर की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, ये पंचघाट है। मैडम गाड़ी लगा रही है और आपका भाई भी आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंचघाट जलप्रपात लोकेशन मुरहू खुटी के पास ये पड़ता है और इसकी ऊंचाई 20 फीट है। यहाँ पे जो सुविधा भी लिखा हुआ है आपका, शौचालय, पार्किंग स्थल, वॉच टावर और गजीबो, पेयजल, फूड कियोस्क, ये सारा चीज़ यहाँ पे है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं, ये देखिए लिखा हुआ है पंचघाट वाटरफॉल, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पे ये चीज़ है। और ये देखिए कैसा है यहाँ पे, ये देखिए, और ये यहाँ पे आपका है, बोर्ड में पढ़ लीजिए जो भी है यहाँ पे, और इसी पे हम लोग जाएंगे अभी। और इसमें आपका एंट्री फी लगता है आपको यहाँ पे, ऐसे दो आदमी हम लोग हैं तो 35 रुपीज़ लिया है, पे करना पड़ा है हम लोग को। तो भाई यहाँ पे हैं, मैडम पिक्चर क्लिक कर रही हैं और ये देखिए इधर कैसा लग रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे तो उधर से पिक्चर इससे जा सकते हैं हम लोग, लेकिन जाएंगे अभी नहीं, बाद में। तो देखिए आप लोग को दिखाते हुए चल रहे हैं, आप लोग नज़ारा उठाइए, लुक तो उठाइए, देखिए बताइएगा कि कैसा लग रहा है।
कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर पे, वहाँ पे पर्यटन स्थल में पर्यटन कर्मियों के सुझावों का पालन करें, मतलब कि लोग जो आपको बोलेंगे यहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, तो वो उस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है, अनसुना नहीं करना है जैसा कि सब लोग करते हैं। ये देखिए भाई लोग आ रहे हैं, घूम लिए हैं शायद, फिर यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे मतलब लग रहा है कि ऊंचाई पे हम लोग हैं, और ये देखिए मैडम जी अकेले शायद मोबाइल चला रही हैं। अरे यहाँ पे झूला वगैरह भी है, मतलब झूला ही बोलिएगा, जंग खाया हुआ झूला। तो ये देखिए इसके ऊपर बच्चे लोग हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। अभी हम लोग को इधर जाना है इस साइड से, तो पूरा देखना है। यहाँ पे पंचघाट तो पांच धाराओं का, मतलब पांच धारा गिरता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको पंचघाट बोला गया है। बोतल आदि कूड़ेदान में फेंकें, यहाँ नहीं फेंकना इधर उधर, ये सारा चीज़ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, चले क्या इस साइड चले छुए क्या, यहाँ से निकल रहा है, हमको अंदर घुसने का मन कर रहा है। देखिए स्नान हो रहा है यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है, देखिए इस साइड से आ रहा है। पानी जा रहा है इधर से क्रॉस करते हुए या इधर आ रहा है, कितना मस्त है। हो लल्ला से बात किया जा रहा है फोन पे, अभी धूप है, देखे फोन दिखा तो लल्ला को दिखाते हैं, नहीं दिख रहा है, ब्राइटनेस और या बढ़ाओ ना, दिख नहीं रहा है, लाइट धूप के कारण आप लोगों को दिख नहीं रहा है फोन पे कौन है, लेकिन बैठने के लिए बनाया गया है, मतलब अगर आप थक उक जाते हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। और ये देखिए इस साइड से जाना है हम लोग को, यहाँ पे लोग आ रहा है। देखिए पीपी क्या कर रही है, बाबू को दिखा रही है फोन में, देखो देखो मम्मा क्या कर रही है। आप आइएगा जरूर और ऐसे पानी से आनंद लीजिएगा, बहुत अच्छा जगह है। ऐसे तो यहाँ पे भी है नहीं, उस साइड में है, तो जाएंगे, चलिए आप लोगों से मिलवाते हैं। और ये देखिए पिपी है, करेगा देखो बेटा, देखो बाबू के साथ बातें कर रही है। वीडियो खिंचा रही है, एक लड़की बॉयफ्रेंड है उसका। और ये देखिए हम लोग इस साइड से आए हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे तो क्या स्टार्टिंग में आपको भी दिखाए थे, एक कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग आइए, ज़रूर आइए, देखिए वहाँ से ऊपर में दिख रहा होगा उस साइड से पानी आ रहा है, वहाँ से ऐसे, फिर उधर से ऐसे, फिर इधर, इधर कीजिए ना। बउआ देखिए बाबू है फोन पे, धूप के कारण क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मम्मी और बाबू है। देखिए पिप्पी क्या कर रही है, मतलब फुल एंजॉय पिप्पी ही कर रही है, मैडम जी फुल एंजॉय किया जा रहा है मैडम के द्वारा। और ये देखिए बाबू भी पूरा देखे जा रहा है,
यहाँ पे, और इधर से जाके आप स्नान वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, बहुत मस्त है। देखिए पुल दिख रहा होगा, वहाँ पे लोग दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो काफ़ी अच्छा जगह है, आप आ सकते हैं यहाँ पे घूमने। फ्रेंड लोग पिकनिक स्पॉट की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह मनाने, यहाँ पे पुल एंजॉय करने, फ्रेंड लोग के साथ मस्ती करने, तो ये सारा चीज़ आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे आकर। जलप्रपात में बच्चों के साथ स्नान करने वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पे इनका जो पानी का जो फोर्स है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है यहाँ पे। नहीं तो कहानी सुने होंगे आप लोगों की कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम आए हुए यहाँ पे और ये देखिए काफ़ी गड्ढा है, और मैडम चिल्ला रही हैं कि यहाँ मत आइए, यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, वो बस चिल्लाते हैं यहाँ मत आइए, यहाँ मत जाइए, यही सब। देखिए चेहरा देख लीजिए कैसे गुस्से में लाल है, देख लीजिए चेहरा एकदम गुस्सा। सब लोग आ रहा है तो नहीं, हम जा रहे हैं तो बोल रही है कि नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर अपने फ्रेंड लोग के साथ फुल मस्ती। ऐसे देखिए कितना तेज़ है यहाँ से, मतलब फुल स्पीड है, बहुत ज़्यादा फोर्स है यहाँ पे पानी का, और इतना ज़्यादा फोर्स है कि क्या बोले। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बैक कर जा सकते हैं उस साइड, देख रहे हैं कितना ज़्यादा फोर्स है। यहाँ पे भी हल्फा मार रहा है, देखिए कितना तेज़ हल्फा है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा दृश्य है। और ये देखिए ये भाई जी हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए मैडम है यहाँ। और अगले पार्ट में मैडम की मस्ती, जंगल में मंगल और बाकी का जलप्रपात देखने को मिलेगा।